नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। आपको बता दें कि एनजीओ आर्ट क्रिएशन कल्चर सोसाइटी व तिहाड़ एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा फिटनेस गुरु हनुमान चौहान जी का 2 दिवसीय निःशुल्क दर्द निवारण शिविर का आयोजन दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया गया। जी हाँ, जिसका लाभ हजारों लोगों ने उठाया। आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी से राहत पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता रहता है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए इस दौर में कई प्रतिष्ठित एनजीओ भी बढ़ चढ़कर अपने तरीके से लोगों की निशुल्क व निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था का नाम सामने आया है, आर्ट क्रिएशन कल्चर सोसाइटी। जी हाँ, यह एनजीओ समय समय पर अलग अलग तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन सेवा यानी मानव सेवा करती रहती है। इस बार एनजीओ आर्ट क्रिएशन कल्चर सोसाइटी ने एक और बहुत बड़ी पहल शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध फिटनेस गुरु हनुमान चौहान जी जोधपुर केरूवाले का 27 व 28 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय निःशुल्क दर्द निवारण शिविर का आयोजन दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया गया। इस कैंप में कंधे जाम, दर्द, पीठ, पैर, एडी, मांसपेशियों में अकड़न, कूल्हे का जोड़ का दर्द, साइटिका नसों से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया गया, वो भी बिना किसी दवा के। जी हाँ, केवल स्पर्श पद्धति से। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं इस शिविर के आयोजक व एनजीओ के अध्यक्ष नरेश बैंसला से। नमस्कार। ये जो पेन रिलीफ कैंप लगाया जी हमने, ये 27 तारीख को लगाया, 27 अप्रैल को जेल में लगाया, उन बंदी भाई बहनों के लिए जो स्टाफ साथ में जो पेन से ग्रस्त हैं, उनकी जो पीड़ा है वो कम हो जाए। बहुत अच्छा रहा और लगभग 350 से ज़्यादा लोगों को इसमें रिलीफ मिला। और एक मिरेकल था, एक करिश्मा था कुदरत का कि हाथ में शफा है उनके, हनुमान चौहान जी जी के केरू वाले जो जोधपुर से बुलाए थे। ये बुलाने का कारण ये था कि मेरे खुद 1 साल से मेरा ये शोल्डर उठ नहीं रहा था, तो मैं गया जोधपुर। जोधपुर जाने के बाद मैं इनसे मिला, इन्होंने हाथ ऐसे करके ऐसे फेरा और मेरा 1.5-2 मिनट में ही मेरा हाथ पूरा उठा दिया, खड़ा कर दिया। तो मुझे लगा कि ये इनको दिल्ली में अगर हम बुलाएं तो हमारे जेल स्टाफ और जो बाकी के लोग हैं, एक दिन हम जेल में कर लें और एक दिन बाहर कर लें सबके लिए, तो बहुत लोगों की मदद हो पाएगी, वो उन गरीब लोगों की हो पाएगी जिनके पास पैसे नहीं है जोधपुर जाने के। तो हमने गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें 2 दिन आप अगर दिल्ली में दे दें, तो उन्होंने कहा मेरा मंडे टू फ्राइडे रहता है जोधपुर में, तो मैं जा नहीं सकता हूँ, तो सैटरडे संडे हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने प्लानिंग करी, प्रशासन से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया आपने, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो उनकी स्वीकृति मिली और हमने ये कैंप लगाया 27 को यहाँ और 28 तारीख को सबके लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो नहीं जा पाते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनका यहाँ किया तिहाड़ रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लगभग 2000 के करीब लोग आए थे पूरा, और काफ़ी लोग ऐसे थे जो पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे मगर उन्होंने चला के गए हैं। वो ऐसे भी थे कुछ पेशेंट जो 4 साल हो गए जिन्हें जो नीचे नहीं बैठ पाए, वो बैठ के गए नीचे, किसी के हाथ नहीं जा रहे हैं 5 साल से, 24 साल से किसी का दर्द था। तो वो ईश्वरीय ताकत है, ये किसी इंसान के हाथ में या कोई ऐसे जादू ही नहीं है। हाँ, उन्होंने ये सबके सामने भी कहा कि वो गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेते हैं, उनका काम है प्रयास करना, उसका रिजल्ट देना ना देना उस ईश्वर के हाथ में है और उनके कर्मों के हिसाब से है। तो इस तरह का ये प्रयास था जो कि बहुत सक्सेस रहा। तो आगे भी दिल्ली में जब जब अगर हमें गुरुजी का आदेश होगा और तो हम एक बार दिल्ली में फिर लगाएंगे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सब लोगों को बहुत दुआएं लगी हैं, सब कहते कि नहीं कहीं भी नहीं है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, इंग्लिश दवाइयों ने भी ठीक नहीं जिन्हें किया है वो कल ठीक होके गए हैं। तो हमारे को बड़ा अच्छा लगा और बड़ी उम्मीद है कि हमारी एनजीओ आर्ट क्रिएशन कल्चर सोसाइटी और टेवा तिहाड़ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जो VSTV ने जो पूरा एक जैन धर्म का चैनल है, उन्होंने मिलके ये सहयोग किया और सारा इसको बनाने में बहुत
सक्सेस रहा। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारी एनजीओ की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से, कि ये इन्होंने साथ दिया और मिलके बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रहा। आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। इसे करने में विनय ठाकुर जो के टेवा के प्रेसिडेंट हैं और जितेंद्र सिंह जो के सेक्रेटरी हैं टेवा के, और चेयरपर्सन VSTV की रचना जैन जी का, और हमारी जो टीम के एनजीओ के मेंबर जो हरियाणा के स्टेट इंचार्ज और भी जो हमारी टीम पूरी, इन सब के लिए सबको मैं दिल से नरेश बैसला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।